आखिर कितना टाइम लगेगा आपको 35 WPM की स्पीड को क्रॉस करने में। हेलो दोस्तों, अगर आपकी टाइपिंग स्पीड 35 WPM से कम है और काफ़ी प्रैक्टिस के बाद इंक्रीज नहीं हो रही, तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जो बार बार आप करते जा रहे हो, और जब तक उन मिस्टेक्स को आप दूर नहीं करोगे तो आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लीजिए आपकी टाइपिंग स्पीड इम्प्रूव नहीं होगी। तो बहुत सी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट मिस्टेक, टाइपिंग के दौरान अगर आपसे किसी वर्ड के बीच में डबल डबल करेक्टर आ जाते हैं, जैसे डबल ओ आ गया, डबल पी आ गया या ट्रिपल टी आ गया, इस तरह डबल या ट्रिपल अगर करेक्टर आपसे टाइप हो रहे हैं, तो इसके पीछे रीज़न यह है कि आप की पर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहे हो, जिसकी वजह से की को रिलीज होने में टाइम लग रहा है। ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना है, बस की को हिट किया और फिंगर को वहाँ से हटा लेना है, तो यह आपकी मिस्टेक तुरंत दूर हो जाएगी। सेकंड मिस्टेक, अगर आपसे सात वाली की प्रेस हो रही है टाइपिंग के दौरान, यानी जिस की को आपने प्रेस किया वह प्रेस न होकर उसके आसपास वाली की अगर आपसे प्रेस हो जाती है, तो इसके पीछे रीज़न यह है कि आपकी फिंगर है जो की के सेंटर में नहीं जा रही, यानी या तो वो दो कीज के बीच में जा रही है या की के कॉर्नर को टच कर रही है, जिससे दूसरी की प्रेस हो जाती है। आपको श्योर करना है कि आपकी फिंगर पोजिशन बिल्कुल करेक्ट हो और जिस की को आप प्रेस कर रहे हो आपकी फिंगर उस की के सेंटर में जाए। थर्ड मिस्टेक, अगर आपसे करेक्टर्स आगे पीछे टाइप हो जाते हैं, जैसे आपने दैट टाइप किया, एच पहले टाइप हो गया, टी उसके बाद में टाइप हुआ, अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपको आ रही है तो पहले आपको श्योर करना है कि यह प्रॉब्लम जब आप स्पीड से टाइप करने की कोशिश कर रहे हैं केवल तब आ रही है, या स्लो टाइप करते हैं उस टाइम पर भी आपको यह प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप स्पीड को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं यह प्रॉब्लम केवल तब आपको आ रही है, तो इसके पीछे रीज़न यह है कि अभी बेस आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, वहाँ पर थोड़ा सा और टाइम आपको 1 वीक या 10 डेज देने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर स्लो में भी यह प्रॉब्लम आपको आ रही है, करेक्टर आपसे आगे पीछे टाइप हो रहे हैं, तो इसके पीछे रीज़न यह है कि आपको कीज हैं अभी अच्छे से रिमेंबर नहीं है, आपको थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम आपके बेस को आपने देना पड़ेगा ताकि सभी कीज अच्छे से रिमेंबर हो जाए। फोर्थ मिस्टेक, बैकस्पेस। जी हाँ, आपने बैकस्पेस का उपयोग करना बिल्कुल बंद कर देना है। जब तक आप बैकस्पेस का उपयोग करते रहेंगे न तो कभी आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव हो पाएगी और टाइपिंग स्पीड तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ पाएगी जब तक आप बैकस्पेस का उपयोग करोगे। तो आपने अपने बैकस्पेस को कीबोर्ड से बिल्कुल अलग कर लेना है और उसके बाद प्रैक्टिस करनी है। अब आप कहोगे कि सर अगर बैकस्पेस निकाल दिया फिर तो बिल्कुल भी एक्यूरेसी नहीं आएगी। हाँ, हो सकता है 2-3 दिन के लिए आपको थोड़े परेशानी हो, लेकिन उसके बाद जो रिजल्ट्स आएंगे बैकस्पेस के बिना प्रैक्टिस करने के, उससे आपके होश उड़ जाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है आप यह कर सकते हो। फिफ्थ मिस्टेक, आपने वर्ड्स को कैपिटल करने के लिए कैप्स लॉक का उपयोग नहीं करना है, शिफ्ट का उपयोग करना है। राइट हैंड के वर्डों को बड़ा करने के लिए लेफ्ट शिफ्ट का, और लेफ्ट हैंड के वर्डों को बड़ा करने के लिए आपने राइट शिफ्ट का उपयोग करना है। शिफ्ट की प्रैक्टिस है जो आपकी साथ के साथ चलती रहनी चाहिए। आपको डेली 2 घंटे प्रैक्टिस करनी है, 1 घंटा मॉर्निंग में और दूसरा इवनिंग में। इससे आपकी टाइपिंग का स्टैमिना बहुत जल्दी इंक्रीज होगा और विद इन 45 डेज आपकी स्पीड अबो 35 WPM हो जाएगी। लेकिन मेरा टारगेट आपकी टाइपिंग स्पीड को अबो 50 अबो 60 WPM लेकर जाना है, ताकि आप हर टाइपिंग टेस्ट को क्वालिफाई कर सको और मेरिट लिस्ट में शामिल हो सको। तो इसलिए मैं इस वीडियो का पार्ट 2 बहुत जल्द लेकर आने वाला हूं। तो इस वीडियो के पार्ट 2 को देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि पार्ट 2 का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। किसी भी सवाल या सुझाव के लिए मुझे कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर।